हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सी किड स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। चीजें तो वही होती हैं, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और उनको डिफरेंट वे से हम बनाते हैं तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही अट्रैक्टिव बन के आती है। आज हम बनाएंगे कैंडी पिज्जा। स्टार्ट करेंगे रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम ये फ्रेंच फ्राइज को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं ये फ्रेंच फ्राइज। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इनको चटपटा सा बना देंगे, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चाट मसाला पोर कर देंगे। मेरे पास स्टिक्स हैं फ्रेंड्स, इनको मैं इस तरह से, इसका हमने एक तरह से कैंडीज का बेड बनाना है, तो ये इस तरह से इसमें लगाते जाएंगे। जितने भी पिज्जे बनाने हैं, ये देखिए उस तरह की हम ये कैंडीज बना लेंगे। अब इसकी हम टॉपिंग करेंगे थोड़ी सी। ये पिज्जा पास्ता सॉस है, ये इस पे मैं डाल दूंगी। चीज लगा देंगे, जिन भी वेजिटेबल्स की आपको टॉपिंग करनी है वो वेजिटेबल कट करके वो रख देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से सब्जियों की टॉपिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा पिज्जा चीज फिर से डाल देंगे ऊपर। इसको चाहे तो आप 40G में रख दीजिए पिज्जा चीज मेल्ट होने तक। मैं आपको ये तवे पर बताती हूँ कि तवे पर बहुत इजीली ये कैसे बन जाएगा। ये देखिए, कोई भी पैन या तवा ले लेंगे, उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, चाहे आप बटर डाल दीजिए, और इन कैंडीज को इस तरह से ऊपर रख देंगे। जितनी भी हमने बनानी है और इसको हम ऊपर से ढक देंगे ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। ढक देंगे, फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। 3 मिनट लगे, अच्छे से चीज इसका मेल्ट हो चुका है। गर्मा गर्म कैंडी पिज्जा बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। टमेटो सॉस इसके ऊपर डाल देंगे। चाहे हो बच्चे चाहे हो बड़े, सबको बहुत ही अट्रैक्टिव और पसंद आता है। जरूर से ट्राई कीजिए आप इस रेसिपी को, बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी इजी सी बढ़िया सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।